इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक से दस दिसंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करेंगे याद रहे इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं साथ ही इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप भी लॉन्च हो गई है आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल ज़रूर कर लें क्योंकि यदि आप हमारा पेड मटेरियल लेते हैं जिसमें हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तो आपको वो सभी पी हमारी इसी ऐप पर अवेलेबल हो पाएंगी तो ये पूरा कंटेंट है जो कि हम आपको पी फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं साथ ही आपको हमारी ऐप पर और भी कई चीज़ें मिल जाएंगी जैसे फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं ठीक है तो इन सबको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं तो ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा करंट अफेयर्स फंडा साथ ही अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की ट्विटर के नए सीईओ कौन है सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोपराग अग्रवाल इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर होगा ऑप्शन ए सो विवेक हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स विश्व एड्स दिवस दो हजार एक सितंबर को जो मनाया गया इसका थीम क्या रहा सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ल्ड एड्स डे 2021 का थीम रहा इनमें कि से किसे कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99 प्रतिशत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है सही आंसर होगा ऑप्शन डी सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गॉट अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इनक्रीज इट स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक टू नाइन मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है सही आंसर ऑप्शन सी सो वैक्सीन इज मरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर एनडीटीवी द वीक के पत्रकारों को अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान यानी आईपीआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको बताना है आईपीआई का मुख्यालय कहां स्थित है सही आंसर है ऑप्शन बी एनडीटीवी द वीक जर्नलिस्ट इन वियना भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आई के सातवें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा सही आंसर ऑप्शन ए गोवा विल होस्ट द एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस बैंक ने पुनर्निवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है सही आंसर होगा ऑप्शन डी सो एच बैंक इंडिया लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अम्ब्रेला योजना एक्रोस को कितने वर्षों तक जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दी सही आंसर होगा ऑप्शन सी द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इट्स अप्रूवल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द अम्ब्रेला स्कीम एक्रोस फॉर फाइव ईयर्स निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया है सही आंसर होगा ऑप्शन बी सो बैरबेड हैज बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक अंतर संसदीय संघ आईपीयू की एक सभा किस देश में आयोजित की गई सही आंसर होगा ऑप्शन बी दन फोर्टी थर्ड असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीओ वॉज हेल्ड इन स्पेन तो भारत की ओर से सिक्स मेंबर इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने इसको अटेंड किया है भारत श्रीलंका और किस देश की नौसेनाओं ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन के नाम से जाना जाने वाला दो दिवसीय पहला अभ्यास किया सही आंसर है ऑप्शन सी सो द नेवीज ऑफ इंडिया श्रीलंका एंड मलेशिया हैव कंडक्टेड अ टू डे मेडियन एक्सरसाइज नोन एज द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है सही आंसर होगा ऑप्शन सी सो अयाज मेमन

सही आंसर होगा ऑप्शन डी सो अश्विन रविचंद्रन बिकेम थर्ड हाइस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट अश्विन मेड टेस्ट डेब्यू इन ट्वेंटी इलेवन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज किस भुगतान बैंक ने पिनाक चक्रवर्ती को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है सही आंसर होगा ऑप्शन सी सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज अपॉइंटेड पिनाक चक्रवर्ती एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर दो हजार की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रही है सही आंसर होगा ऑप्शन सी सो 8.4 पॉइंट फोर परसेंट वॉच ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021-22। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया सही आंसर है ऑप्शन सो नागालैंड स्टेट पुलिस लॉन्च द कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है uh, माफ कीजिएगा ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है ये हिंदी इसका रूपांतरण सही नहीं हो पाया हा वट इज कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर सही आंसर होगा ऑप्शन डी सो प्रिवरेंस इज कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर मैगडेलेना एंडरसन को किस देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है सही आंसर होगा ऑप्शन सी सो मैकडेलिना एंडरसन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है सही आंसर होगा ऑप्शन ए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंपोस्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज वन करोड़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बावनवे संस्करण के समापन समारोह में किस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है सही आंसर होगा ऑप्शन सी सो रिंग वॉन्डरिंग फिल्म बैक्ट द कोविटेड गोल्डन पिकॉक अवार्ड एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द फिफ्टी सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा दास्ता उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यह कब मनाया जाता है तो दो दिसंबर को यह मनाया जाता है निम्नलिखित में से कौन पांच करोड़ से अधिक लोगों को पूरी तरह से टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य है सही आंसर पीपल. साथी का किसने जीता है सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोलनल में सी वॉन बैलेंडियोर फॉर अस रिकॉर्ड सेवन टाइम सरकार ने किस इंजीनियरिंग कंपनी में अपनी संपूर्ण 100 प्रतिशत हिस्सेदारी नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को 210 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है सही आंसर है ऑप्शन बी गवर्नमेंट हैज सेल ऑफ इट्स एंटायर 100 स्टेक इन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर टू करोड़ रुपीज फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के रूप में किसने पदभार संभाला है सही आंसर है ऑप्शन डी So, सो विश्वजीत दास गुप्ता टूक ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नवल कमांड राम कुमार रामनाथन किस खेल से संबंधित हैं सही आंसर है ऑप्शन बी सो so, राम कुमार रामनाथन इज एसोसिएटेड विद टेनिस तो देखिए इन्होंने मेड इन सिंगल टाइटल जीता है एटीपी चैलेंज टूर का श्री वेनेला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया वह एक उल्लेखनीय क्या थे तो ये यह उल्लेखनीय पोएट एंड लिरिसिस्ट थे तो तेलुगु लिरिसिस्ट थे ये आप याद रखिएगा दूरसंचार विभाग और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत आईटीयू संयुक्त साइबर स्ट्रिल दो की शुरुआत की आपको बताने जो आईटीयू है इंटरनेशनल टेलीकमुनिकेशन यूनियन इसका मुख्यालय है, है तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों उत्पादकों को अनुमति देने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सही आंसर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद फ्लिपकार्ट टू अलाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोड्यूसर्स केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी मंत्रालय आंध्र प्रदेश सरकार और निम्न से किसने विशाखापट्टनम में आई ओ टी और ए आई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया सही आंसर ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नासकॉम हैज लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विशाखापट्टनम भारत सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है सही आंसर है ऑप्शन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया किस खिलाड़ी ने 2021 मलेशियाई ओपन स्क्वेस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता सही आंसर है ऑप्शन सी सौरव घोषाल वॉन the मैंस सिंगल टाइटल एट 2021 ट्वेंटी मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप भारत जी ट्वेंटी ट्रोएगा में शामिल हो गया है जिसमें भारत के अलावा इंडोनेशिया एंड इटली शामिल हैं तो सही आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया एंड इटली किस बैंक ने कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल के, के साथ एक मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए सही आंसर है ऑप्शन बी सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड मास्टर एग्रीमेंट विद अडानी कैपिटल फॉर कोलैंडिंग टू फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ फार्म इपली उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी इन गोरखपुर एरिया ऑफ हरियाणा साथ ही आपको बता दें साल 2024 तक गवर्नमेंट ने कहा है कि नाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो जाएंगे इंडिया में आई मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप गोवी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड मैस्टर बनाया है सही आंसर है ऑप्शन सी आई मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप गोवी हैज है इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना एज इट्स ब्रांड अम्बेसडर किस राज्य ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड अम्बेसडर के रूप में साइन किया है सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश है ब्रांड अम्बेस्डर निम्न खत में से किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय एन आई एफ पुस्तक पुरस्कार दो हजार इक्कीस से सम्मानित किया द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सो दिन पटेल हैज बीन अवॉर्डेड द कमला देवी चट्टोपाध्याय एन आई एफ बुक प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो दादा भाई की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है सही आंसर है ऑप्शन सी सो वी प्रवीण राव हैज बीन सेलेक्टेड फॉर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड ऑल इंडिया रेडियो द्वारा युवाओं के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है सही आंसर है ऑप्शन ए सो ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च्ड ए आई आर फॉर यंगस्टर किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का निर्णय लिया सही आंसर है ऑप्शन डी सो अफ्रीकन कंट्री साउथ सूडान हैज डिसाइडेड टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030। थर्टी के शिवशंकर का निधन हो गया है वे एक उल्लेखनीय क्या थे तो ये उल्लेखनीय कोरियोग्राफर एंड एक्टर थे किन देशों ने बंगाली खाड़ी में वार्षिक ऑफ़ फ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी कैरेट समुद्री अभ्यास शुरू किया सही आंसर है ऑप्शन सी सो यूएसए एक्सरसाइज इन ऑफ बंगाल निम्नलिखित में से किसने हरित ऊर्जा सहयोग के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर है ऑप्शन सी सो आई आर ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर जी कोलेबोरेशन अंतरराष्ट्रीय यात्रा मार्ट का नौवा संस्करण उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए आई किस शहर में आयोजित किया गया सही आंसर है ऑप्शन ए द नाइन्थ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट आई टी एम फॉर नॉर्थ ईस्ट इज हेल्ड इन कोहिमा नागालैंड विकलांग व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसिटीज इज ऑब्सर्ड ऑन थर्ड ऑफ दिसंबर वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर है ऑप्शन डी सो अंजू बॉबी जॉर्ज हैज बीन अवार्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स डीबीएस के अनुसार भारत का फिजिकल ईयर 23 विकास पूर्वानुमान क्या है सही आंसर है सेवन परसेंट ऑप्शन ए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत का फिजिकल ईयर 22 विकास पूर्वानुमान क्या है सही आंसर है ऑप्शन सी नाइन पॉइंट फोर परसेंट किस कंपनी ने 6000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए राइट आंसर इज ऑप्शन ए सो पेटीएम हैज साइंड विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रप्रीनरशिप टू ट्रेन सिक्स इंडिविजुअल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफिनिटी फोरम का उद्घाटन किया इस फोरम के लिए पार्टनर देश कौन से हैं सही आंसर है ऑप्शन डी सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इन्फिनिटी फोरम द पार्टनर कंट्रीज फॉर दिस फोरम आर इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड किंगडम भारत की किस राज्य सरकार ने चारधाम देवास्थानम बोर्ड अधिनियम को वापस ले लिया राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट टुक बैक द चार धाम देवास्थानम बोर्ड एक्ट कैपरी ग्लोबल कैपिटल के साथ किस बैंक ने सह उधार यानी कि को लैंडिंग पार्टनरशिप की है सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इन अ को लैंडिंग पार्टनरशिप विद कैपरी ग्लोबल कैपिटल

एशिया प्रमुख नियुक्त किया सही आंसर है ऑप्शन ए सो डिजिटल पेमेंट्स कंपनी वीजा हैज अपॉइंटेड संदीप घोष एज इट्स इंडिया एंड साउथ एशिया हेड हाल ही में भुगतान बैंक ने मेट्रो बस रेल और पार्किंग भुगतान के लिए ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया राइट आंसर इज ऑप्शन डी सो पेटीएम पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च अ ट्रांसिट कार्ड फॉर मेट्रो बस रेल एंड पार्किंग पेमेंट्स भारत ने नवंबर 2021 में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से चालीस प्रतिशत स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य हासिल किया है इंडिया हैज अचीव्ड टारगेट ऑफ फोर्टी परसेंट इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन नॉनफॉसिल फ्यूल सोर्सेज इन नवंबर 2021। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है राइट आंसर इज ऑप्शन ए सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर हैज रिसेंटली बैंड पोस्टिंग ऑफ इमेजेस एंड वीडियोज ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट देयर कॉन्सेंट भारत का फिस्कल ईयर ट्वेंटी के लिए उसका राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का सिक्स है आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को हटा दिया और निम्नलिखित में से किसे इस कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है राइट आंसर इज ऑप्शन सी आरबीआई सुपरसीटेड द बोर्ड ऑफ रिलायंस कैपिटल एंड अपॉइंटेड नागेश्वर राव वाई एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री भारत और निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने के लिए सहमत हुए क्लाइमेट पार्टनरशिप केंद्र सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष दो हजार में कितने डिजिटल लेन देन हुए हैं राइट आंसर इज ऑप्शन सी सो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट 5,544 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस लॉक्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2020 ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस दिन मनाया जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर फोर निम्नलिखित में से किसने अक्षय परियोजनाओं को विकसित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं राइट आंसर इज ऑप्शन सी सो विद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू डेवलप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यू एच के निर्धारण के मापदंडों पर फिर से विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा सही आंसर है ऑप्शन टी सो अजय भूषण पांडे विल चेयर द पैनल फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। पांचवा हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया राइट आंसर इज ऑप्शन डी द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन आबुधाबी महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने उषा इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं राइट आंसर ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एम्पावरिंग विमेन एंटरप्रिनर्स महिला टेनिस संघ ने किस चीनी टेनिस खिलाड़ी के लापता होने के कारण चीन में सभी महिला टूर्नामेंट को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की है राइट आंसर ऑप्शन सी विमेंस टेनिस एसोसिएशन हैजनाउंस इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल वीमेंस टूर्नामेंट्स इन चाइना अमेड डिस ऑफ चाइनीज टेनिस प्लेयर पेंग सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया राइट आंसर इज ऑप्शन बी पीएम नरेंद्र मोदी नोगरेटिव 120 मेगावाट व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड किस क्रिकेट टीम के एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ एक पारी में सभी टेन विकेट लेकर इतिहास रच दिया है राइट आंसर इज ऑप्शन डी अजाज पटेल ऑफ न्यूजीलैंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग ऑल टेन विकेट्स इन एन इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विश डे आंसर इज ऑप्शन डी सो वर्ल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डिसम्बर फाइव दो हजार इक्कीस स्वयंसेवी दिवस यानी कि 2021 इंटरनेशनल ट्वेंटी डे इसका थीम क्या रहा इसका थीम रहा है ऑप्शन ए वॉल्टियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर मार्च 2022 के अंत तक राज्यों का संयुक्त डेट जीडीपी अनुपात 31 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है ऑप्शन सी मालदीव के कडु द्वीप में आयोजित होने वाले संयुक्त भारत मालदीव प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है राइट आंसर इज ऑप्शन ए सो इज द ज्वाइंट इंडो मालदीव्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन आइलैंड मालदीव्स ने किस राज्य में प्रोजेक्ट रीहेब लॉन्च किया राइट आंसर इज ऑप्शन ए केवीआईसी लॉन्च प्रोजेक्ट रीहेब इन आसम रीहेब का मतलब है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीस हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रोसैया का निधन हो गया राइट right आंसर है ऑप्शन टी ऑप्शन बी त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट है जीपीएस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन वन एप्लिकेशन बन अधिकार एप फॉर फॉरेस्ट पट्टा लैंड डिमार्केशन किस प्रौद्योगिक कंपनी ने मंच पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में पहल की घोषणा की राइट आंसर इज ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा फॉर मी नोन एज फेसबुक अनाउंस्ड इनिशिएटिव्स इन इंडिया टू एंश्योर वीमेन सेफ्टी ऑन द प्लेटफॉर्म किस विद्रोह को कक्षा आठ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इतिहास की पाठ्य पुस्तक में केस स्टडी के रूप में शामिल किया जाएगा तो सही आंसर है ऑप्शन बी पैगा रिबेलियन किस राज्य में गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारी दर्ज की गई सही आंसर है ऑप्शन सी सो उत्तर प्रदेश हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट अंडर द स्टीजेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यानी यूएपीए 1967। उस चक्रवाती तूफान का नाम बताइए जिसने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर दस्तक दी राइट आंसर इज ऑप्शन डी सो साइक्लोनिक स्टोम जवाड मेड लैंडफॉल ऑन द आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा कोस्ट एशिया यूथ पैरोल्पिक खेल जहां भारत की अनन्या बंसल ने शॉर्टपुट में रजत पदक जीता किस देश में आयोजित किया गया राइट आंसर इज ऑप्शन सी सो एशिया यूथ पैरोल्पिक गेम्स वेर इंडिया मेडल इन शॉर्टपुट हेल्ड इन बहरीन मार्च 2025 तक भारत में कितने भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे सही आंसर है ऑप्शन डी सो टेन भारतीय जन औषधि केंद्र विल बी ओपन इन इंडिया बाय मार्च ट्वेंटी मैत्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिसंबर को मनाया जाता जाता है? है। तो दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन कोविड के खिलाफ अपनी सौ प्रतिशत व्यस्क आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है सही आंसर है ऑप्शन डी सो हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू तो फुली वैक्सीनेट हंड्रेड परसेंट ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 2021 में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है तो दुनिया का सबसे इसराइल का तेल तेलबीव ऑप्शन बी भारत ने उत्तर प्रदेश के कोरबा में ए के टू जीरो थ्री असोल्ट ट्राइफल्स के स्वदेशी उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिया इंक् डील विद रशिया फॉर द इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ ए के टू जीरो थ्री असोल्ट्राइफल्स एट कोरबा इन उत्तर प्रदेश किस रक्षा पीएसयू ने भारतीय नौसेना का पहला स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत संधायक लॉन्च किया है, सही आंसर है so, PSU, Reach, सर्वे वैसल संधायक तो याद रखें सर्वे वैसल है लिक. किस देश ने जर्मनी को हराकर जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ट्रॉफी जीती सही आंसर है ऑप्शन डी सो अर्जेंटीना लिफ्टेड द कॉम्बिटेट ट्रॉफी ऑफ द जूनियर वीमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप आफ्टर डिफीटिंग जर्मनी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अनुभवी पत्रकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है सही आंसर है ऑप्शन ए स्वपद्श्री अवार जर्नलिस्ट विनोद दुआ पास अवे रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है तो ये सात दिसंबर को मनाया जाता है ऑप्शन डी सही होगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस या भारत का झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर ऑप्शन डी होगा सात दिसंबर एस एल टी आई टी एफ वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब किसने जीता है सही आंसर ऑप्शन सी होगा प्रांजला कांजलापल्ली बी आर की समाधि स्थली चैत्य भूमि किस शहर में स्थित है सही आंसर ऑप्शन ए होगा चैत्य भूमि द क्रिमेशन प्लेस ऑफ बी आर अम्बेडकर मुंबई दादर में दादर मुंबई किस कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को रणनीतिक समूह सलाहकार नियुक्त किया सही आंसर ऑप्शन ए फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया सही आंसर ऑप्शन बी है अलका उपाध्याय है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है सही आंसर ऑप्शन सी है संजय बंदोपाध्याय हैज बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया

कंपनी समाधान आईडीआरसीएल के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया सही आंसर ऑप्शन बी होगा सो संजय जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी 2021 सऊदी अरब ग्रां प्री किसने जीता है तो यह जीता है लुइस हैमिल्टन ऑप्शन ए भारत और किस बैंक ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए 125 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए सही आंसर ऑप्शन सी होगा इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ 125 मिलियन यूएस डॉलर लोन टू इंप्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन उत्तराखंड शारदा मेनन कौन थी तो शारदा मेनन इंडिया की फर्स्ट वीमेन साइकेट्रिस्ट थी तो इनका हाल ही में निधन हो गया है ऑप्शन ए सही है किस राज्य ने हमार अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया सही आंसर ऑप्शन बी होगा झारखंड हैज लॉन्च द वेब पोर्टल नेम्ड हमार अपन बजट भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए हैं सही आंसर ऑप्शन ए है सो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा हैज हैजॉइन द बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आई इनमें से किस बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा क्रमशः वर्ष दो का पुरुष और महिला खिलाड़ी नामित किया गया सही आंसर ऑप्शन सी होगा विक्टर एक्सेलसन एंड ताई ताइंग दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है सही आंसर ऑप्शन सी अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनोग्रेटेड इन गोरखपुर असम वैभव पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है सही आंसर ऑप्शन ए होगा रतन टाटा हैज बीन एज द रिसिपियंट ऑफ द असम वैभव अवार्ड ट्वेंटी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ई में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर ऑप्शन डी होगा नीलम शमी राव हैजिन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन द एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिक्स ने किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को, क्रिकेटर को अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है सही आंसर ऑप्शन सी होगा यूनिक्स हैज साइंड इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह एज देयर ब्रांड अम्बेसडर अदामा बैरो ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता है सही आंसर ऑप्शन बी होगा अदामा बैरो वोन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस इन गांबिया भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ का नाम बताइए जिन्हें सिप्रियन फोयस पुरस्कार के लिए चुना गया है सही आंसर ऑप्शन बी होगा सो इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इनोग्रल सिप्रियन फोयस प्राइज किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जम्बर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने 650 मिलियन यूएस डॉलर ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है सही आंसर ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड इट्स 650 मिलियन यूएस डॉलर ग्रीन बॉन्ड साइमल्टेनियसली ऑन द इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड लग्जम्बर्ग स्टॉक एक्सचेंज किनारा कैपिटल ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना आधिकारिक ब्रांड अम्बेसडर बनाया है सही आंसर ऑप्शन डी होगा किनारा कैपिटल है साइंड इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा एज इट्स ऑफिशियल ब्रांड अम्बैसडर किस बैंक ने पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है सही आंसर ऑप्शन डी है सो आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड वाहन वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर ऑप्शन सी होगा सो कर्नाटका बैंक है किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड फॉर वेहीकल फाइनेंसिंग कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ समझौता के पर, पर हस्ताक्षर किए सही आंसर ऑप्शन बी ओ का लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के अनुसार फिस्कलेट ट्वेंटी के लिए भारत का जी पूर्वानुमान क्या है तो भारत का जीडीबी पूर्वानुमान है नाइन ऑप्शन डी वार वेटरन्स पूर्व सैनिकों और वार विडोज के बच्चों को समर्थन और शिक्षित करने के लिए कौन सा बैंक केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा सही आंसर ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा जनरल बिपिन रावत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन है ही द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया राइट है ही द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी बिल्कुल सही ही एज एंड लास्ट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये भी बिल्कुल सही है इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट मेट्रिट में फाइनल में रूस ने किस देश को हराकर 15 साल बाद डेविस कप खिताब जीता है सही आंसर ऑप्शन सी होगा रशिया डेविस कप टाइटल आफ्टर 15 इयर्स डिफिटिंग क्रोएशिया इन द फाइनल एट मेड्रिट किस बैंक ने एन के सहयोग से अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए रुपए ऑन द गो कॉन्टेक्ट लेस वेरेबल की चैन लॉन्च किया है सही आंसर ऑप्शन डी सिटी यूनियन बैंक होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया गया है तो फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं संजीव मेहता ऑप्शन बी दुनिया के सबसे उम्रदराज़ टेस्ट क्रिकेटर नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया तो इनका नाम है ऑप्शन ए एलिन एश तो 110 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है एन सी योंग जिन्होंने पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के फाइनल्स में हराया किस देश से हैं तो ये साउथ कोरिया से ऑप्शन डी किस बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करने के लिए प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पोअर इन तमिलनाडु दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ शार्क चार्टर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो शार्क चार्टर हर साल दिसंबर आठ को मनाया जाता है का सोलह साल का शासन समाप्त होने के बाद जर्मनी के अगले चांसलर कौन बने हैं तो जर्मनी के अगले चांसलर बने हैं ऑप्शन ए ओलेफ स्कोल्च म्यांमार में जुनता ने अबदस्त नेता आंग सान सु को सेना के खिलाफ उकसाने और कोविड नाइन्टीन नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल के लिए जेल में डाल दिया है तो इनको जो है चार साल के लिए जेल में डाल दिया ऑप्शन डी हालांकि उसके बाद फिर इनकी जो सजा है ये बीस साल दो साल कर दी गई है दो साल के लिए जावा द्वीप पर ज्वालामुखी का नाम बताइए जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ सही आंसर ऑप्शन बी है माउंट सेमेरू तो कहां पर है ये आइलैंड ऑफ जावा इंडोनेशिया में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है उस भारतीय मूल के चिकित्सक का नाम बताइए जिसे, जिसे नासा ने नो, नो अन्य लोगों के साथ भविष्य के मिशन के लिए अंतर अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है सही आंसर ऑप्शन ए है द इंडियन ओरिजिन फिजिशियन

जी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी सेमिनार की मेजबानी किस देश द्वारा की गई सही आंसर ऑप्शन डी होगा जी ट्वेंटी इंटरनेशनल सेमिनार वाज होस्टेड बाय इंडोनेशिया पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इस अक्टूबर तक मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है तो उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पर है ऑप्शन डी यानी कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन केसेस यहां पर सबसे ज्यादा आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को 9.5 परसेंट पर बरकरार पर रखा और रेपो दर को 4 परसेंट पर अपरिवर्तित रखा यानी कि रिटेन रखा है अनचेंज रखा है वनडे के लिए भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन है और उन्होंने टेस्ट टीम के उप के रूप में किसे रिप्लेस किया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो रोहित शर्मा इज इंडिया मैं क्रिकेट टीम्स न्यू कैप्टन फॉर ओडियाई एंड रिप्लेस अचिंके रहा एज द वाइस कैप्टन ऑफ टेस्ट टीम फोर्ब्स की दुनिया की सौ सबसे शक्तिशाली महिलाओं में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की क्या रैंक है तो इनकी रैंक है 37 और पहले नंबर पर कौन है ये हैं Scott, है मैके स्कॉट फिलेंथ्रोफिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का किस लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया सही आंसर ऑप्शन डी होगा एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉ सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम सुखोई थर्टी एम के वन फाइटर एयरक्राफ्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना की वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी केन और बेतवा दोनों किस नदी की सहायक नदियां हैं सही आंसर होगा ऑप्शन बी सो so, केन और बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक है ऑप्शन सी फोर्थ पहले नंबर पर यूएसए नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव किस दिन मनाया जाता है सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादों और सेवाओं में सहयोग के लिए महिंद्रा समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सही आंसर ऑप्शन ए होगा जियो बीपी इंडिया ने महिंद्रा ग्रुप फॉर कोलेबोरेशन इन इलेक्ट्रिक वेहीकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेस फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष दो हजार के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमान क्या है तो यह है एट पॉइंट ऑप्शन सी डिजिटल गोल्ड पर भारत का पहला ऋण लॉन्च करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने फिनटेक फर्म इंडिया गोल्ड के साथ भागीदारी की सही आंसर ऑप्शन डी होगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विम इंडिया गोल्ड टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड निम्नलिखित में से किसे विश्व की शीर्ष तीन सौ सहकारी समितियों में नंबर एक सहकारी स्थान दिया गया सही आंसर ऑप्शन भी होगा इफको केपी के कुट्टी का हाल ही निधन हो गया वे किस पेशे से जुड़े हुए थे तो ये जर्नलिज्म से जुड़े हुए थे जर्नलिस्ट थे ये काफी जाने माने निम्नलिखित में से किसने फिनटेक हैकाथॉन स्प्रिंट फॉर मार्केट टेक लॉन्च किया तो ये किया है आई एफ एस सी एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी किस भुगतान बैंक ने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त की सही आंसर ऑप्शन सी होगा पेटीएम पेमेंट्स अप्रूवल टू फंक्शन सेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है सही आंसर होगा ऑप्शन ए सो बिहार हैज फोन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट द फोर्टीन एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है सही आंसर ऑप्शन बी होगा सो so, संबित पात्रा हैज बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आई होप आपको हमारा ये सेशन काफी पसंद आया होगा यदि पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्वीजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और फेर एस के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू गाइज